There's no end to ceasefire. There's no end to ceasefire violations. I'm joined by Chief Minister Mehbooba Mufti. Ma'am, जिस तरह से ceasefire violations लगातार हो रही है, सबसे ज़्यादा मुश्किल border के लोगों को ये बहुत बुरा है. हालांकि central government की तरफ से जो prime minister ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक यूनिलेटरल सीज फायर किया, जिससे लोगों को काफ़ी आराम मिला, एक शांति कायम करने का, एक पीस प्रोसेस को, एक पीस को उन्होंने चांस दिया. तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक तो इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी और दूसरा बॉर्डर्स के ऊपर जो ये रोज़ जो गोलियां चलती हैं बंद हो जाएगा और रमज़ान का मुबारक महीना है. पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है. मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान को इस रमज़ान के मुबारक महीने में जो इस किस्म की गोलाबारी हुई, जिससे हमारे बच्चे यहाँ मारे गए, हमारे लोग मारे गए, बॉर्डर के लोग परेशान हैं. तो मैं समझती हूँ कि इस तरह वाजपेयी जी के टाइम में और मुशर्रफ के टाइम में एक बार बॉर्डर्स पे एक सीज़ फायर हुआ था दोनों तरफ से और लोग आराम चैन से 5-8 साल रहे. तो इसी तरह कुछ सोचना पड़ेगा उनको भी, पाकिस्तान को भी, खासकर क्योंकि पाकिस्तान ने जो इस बार जो हालात यहाँ हुए हैं वो बहुत वो बर्दाश्त के काबू से बाहर है. क्या वजह क्या है कि इस तरह से रमजान के वक्त एकदम से एस्केलेट हो गया? नहीं होना चाहिए. ये तो देखिए, ये तो बॉर्डर पे तो सीज फायर पिछले 2-3-4 साल से लगातार चलता रहा है और आज रमजान के महीने में ज्यादा हो गया है, जो बहुत ही अफसोस की बात है. रमजान बहुत ही मुकद्दस महीना माना जाता है. इसमें खासकर पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक है, उनको ज्यादा इस चीज का ख्याल रहना चाहिए. और यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर में अंदरूनी तौर से एक सीज़ फायर का ऐलान किया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी आराम मिला, काफ़ी सुकून मिला. तो ऐसे में पाकिस्तान का भी एक रोल बनता है कि वो बॉर्डर्स पे सीज़ फायर कर ले, बॉर्डर्स पे गोलाबारी बंद कर दे वो और इन्फिल्ट्रेशन बंद करे, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा कदम उठाया है उससे पूरे रियासत को फायदा हो और दोनों मुल्कों के हालात अच्छे हो सके. जो बॉर्डर के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में हैं. बॉर्डर के लोगों के लिए एक तो सबसे बड़ी ये बात है कि ये इनका ये मसला था कि यहाँ इनको LOC की तरह जो है ट्रीट किया जाए. दूसरा, हमने ये भी सोचा है कि बॉर्डर के लिए एक्सक्लूसिव के तरीके से, अलग तरीके से के लिए बॉर्डर के लिए एक बटालियन का हमने ऐलान किया है, जिसमें सिर्फ बॉर्डर रेजिडेंट, जिसमें सिर्फ बॉर्डर रेजिडेंट्स की भर्ती होगी. ओके, थैंक यू सो मच. That was Chief Mehbooba Mufti, obviously पूरा. हाँ, ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਰ.